5 जामा मस्जिद गोलीकांड का गैंगस्टर गिरफ्तार। पीएसपी के टिकट पर लड़ चुका है चुनाव। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहम्मद इकबाल सैफी उर्फ राजा को किया गिरफ्तार। उस पर 25,000 रुपए का था इनाम। वह 2017 में मेरठ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ चुका है। दिल्ली पुलिस की सुर्खियों की जानकारी के आधार पर राजा को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को सूचना मिली थी कि मोहम्मद इकबाल सैफी 13 जून को वारदात को अंजाम देने के इरादे से वेलकम इलाके में आने वाला है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी की और राजा को गिरफ्तार किया। पुलिस को उसके पास से हथियार और कस्तूर बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक 21 फरवरी 2018 को जामा मस्जिद इलाके में मोहम्मद इकबाल सैफी ने अपने साथियों नौशाद और रिजवान के साथ मिलकर मक्की नाम के शख्स पर गोली चलाई थी। हालांकि मक्की इस हमले में बच गया था। इस हत्या की कोशिश उसने अपने गैंग के संगठना के शाहिद सोफी के कहने पर की थी। शाहिद सोफी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का गुंडा है। वह अभी मेरठ जेल में बंद है। मोहम्मद इकबाल पर हत्या, लूट और चोरी के 10 मामले दर्ज है। पुलिस काफी समय से इसकी तलाश कर रही थी। हालांकि यह हर बार पुलिस के हत्थे चढ़ने से बच जाता था, लेकिन इस बार वह ऐसा करने में विफल रह गया और पुलिस अपने मिशन में कामयाब हो गई। पुलिस मोहम्मद इकबाल सैफी को गिरफ्तार करने पर बड़ी कामयाबी मान रही है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।